आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कबुक क्लास फोर्थ, लेसन नंबर 13, यूज ऑफ यस एंड नो। पिछले अध्याय में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न सेंटेंस। अब इसमें आज हमें यस नो में उत्तर देना है, और यस नो में जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है वो प्रश्न हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखें तो रूल नंबर दिया है सबसे पहले एक कि हर इंटरोगेटिव का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। यस के बाद सदैव वाक्य जो होगा वो अफर्मेटिव होगा, जबकि नो के बाद सदैव नेगेटिव सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव वाक्य का जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या शब्द जो है वो सबसे पहले आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर यस और नो दोनों में दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा है इज ही अ प्रिंसिपल, यानी क्या वह एक प्राचार्य है। तो जब हम इसका उत्तर यस में देंगे तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यस। फिर इस वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता ही है, ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब एज लिखना पड़ेगा, उसके बाद अ प्रिंसिपल लिख देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा यस ही इज अ प्रिंसिपल। अब इसी प्रश्न का उत्तर जब नकारात्मक रूप से देना हो तो नोट का प्रयोग करेंगे, और नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करना है। तो इसमें हो जाएगा नो ही इज नॉट अ प्रिंसिपल। दूसरा प्रश्न पूछा है आर दीज लीव्स, क्या ये पत्तियां हैं। तो यस में उत्तर देना तो यस दीज आर लीव्स, और नेगेटिव में देने के लिए नो दीज आर नॉट लीव्स लिखना है। इज शंकर अ कोबलर, क्या शंकर एक मोची है। यस में उत्तर देते समय लिखेंगे यस शंकर इज अ कोबलर, नेगेटिव में उत्तर देने के लिए लिखेंगे नो शंकर इज नॉट अ कोबलर। फोर्थ प्रश्न पूछा है इज दैट अ टेलीफोन, क्या वह एक टेलीफोन है। तो यस में उत्तर देते समय लिखेंगे यस दैट इज अ टेलीफोन, और नेगेटिव में लिखने के लिए नो दैट इज नॉट अ टेलीफोन। फिर पांचवा प्रश्न पूछा है आर दे चिल्ड्रन, क्या वे बच्चे हैं। यस दे आर चिल्ड्रन, नेगेटिव के लिए लिखेंगे नो दे आर नॉट चिल्ड्रन। इस प्रकार से हमने प्रश्न का उत्तर यस या नो में देना सीख लिया है। तो आइए हम एक्सरसाइज हल करते हैं। एक्सरसाइज 13, पहला प्रश्न पूछा है राइट विद यस एंड नो बोथ, यानी नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसमें आपको यस और नो में उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा है इज दिस अ रूफ, यानी क्या यह एक छत है। तो हाँ में उत्तर देना है हमको, तो लिखना यस दिस इज अ रूफ, नो में देने के लिए नो दिस इज नॉट अ रूफ। दूसरा प्रश्न पूछा आर दोज नाइव्स, यस दोज आर नाइव्स, नेगेटिव में देने के लिए नो दोज आर नॉट नाइव्स। तीसरा प्रश्न पूछा है इज गोपीराम अ पोस्टमैन, यस गोपीराम इज अ पोस्टमैन, नेगेटिव के लिए नो गोपीराम इज नॉट अ पोस्टमैन हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न है आर दीज वॉचेज, क्या ये घड़ियां हैं। यस दीज आर वॉचेज, नेगेटिव के लिए नो दीज आर नॉट वॉचेज। पांचवा प्रश्न है आर यू अ पोइट, तो इसमें हो जाएगा यस आई एम नॉट अ पोइट, और नेगेटिव में देने के लिए नो आई एम नॉट अ पोइट। इस पांचवें प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करो कि उत्तर के अंदर जब यू है, प्रश्न के अंदर यू हो तो उत्तर में आई का प्रयोग करना है, और आई के साथ एम का प्रयोग करना, यह विशेष रूप से याद रखना, ध्यान रखना। अब प्रश्न बी वाला है आंसर विद यस ओनली, सिर्फ यस में उत्तर देना है। इज दैट अ फ्लूट, क्या वह एक बांसुरी है। तो आपको उत्तर देना यस दैट इज अ फ्लूट। दूसरा प्रश्न पूछा है आर यू इल, यस आई एम इल हो जाएगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। इज द अर्थ अ प्लेनेट, तो यस द अर्थ इज अ प्लेनेट।
चौथा पूछा है इज द क्रो एन एनिमल, तो आपको लिखना यस द क्रो, यस द काउ इज एन एनिमल, काउ है, इसको क्रो नहीं काउ बोलना है। फिर है एम आई अ टीचर, तो उत्तर लिखना यस आई एम अ टीचर। इसी प्रकार क्वेश्चन सी आंसर विद नो ओनली, सभी प्रश्नों के उत्तर नेगेटिव देने हैं, नो में देना है। जैसे पूछा है यू आर यू ब्लाइंड, तो आपको लिखना पड़ेगा नो आई एम नॉट ब्लाइंड। इज द डॉग अ बर्ड, तो आपको लिखना नो द डॉग इज नॉट अ बर्ड। आर दोज ऑक्शन, तो आपको लिखना नो दोज आर नॉट ऑक्शन। एम आई इल, तो लिखना है नो आई एम नॉट इल। इज द मून हॉट, नो द मून इज नॉट हॉट। प्रश्न क्रमांक डी सूटेबल, उचित उत्तर देना है यस या नो में, जैसी प्रश्न पूछा उस हिसाब से यस में दे सकते हो या नो में दे सकते हो। आर ट्रीज ग्रीन, क्या पेड़ हरे होते हैं, तो हम देखते हैं कि पेड़ हरे होते हैं इसलिए हमको इसको उत्तर यस में देना पड़ेगा, यस ट्रीज आर ग्रीन। दूसरा प्रश्न पूछा है इज द सन हॉट, यस द सन इज हॉट। तीसरा पूछा आर यू अ फार्मर, नो आई एम नॉट अ फार्मर। इज द क्रो एन एनिमल, नो द क्रो इज नॉट एन एनिमल। इज दिस अ स्कूल, यस दिस इज अ स्कूल। अब नीचे ओरल वर्क दिया हुआ है जिसमें डे ऑफ वीक लिखा हुआ है, इन्हें सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनके स्पेलिंग्स और अर्थ दिया हुआ है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है। संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, ट्यूजडे यानी मंगलवार, वेंसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को अपने कॉपी में हल करना है। थैंक यू।